चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यूपी पंजाब की 13-13 सीटों पर वोटिंग है। बिहार की 8, बंगाल की 9 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। हिमाचल की 4, झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग जारी है। कई दिग्गजों ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री मैदान में है। इसके अलावा 4 एक्टर भी मैदान में उतरे नजर आ रहे हैं। रवि किशन की ये तस्वीरें हैं जो अपनी पत्नी के साथ वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ये तस्वीरें, क्रिकेटर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तो देखिए ये तमाम वो बड़े चेहरे जिन्होंने आज अपना आखिरी चरण में वोट कास्ट किया है और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, कई एक्टर की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। हिमाचल में सुबह 11 बजे तक 31.92% वोटिंग हुई है और साथ ही 11 बजे तक का ये आंकड़ा है। ओडिशा की अगर बात की जाए तो 22.64% ही मतदान अभी तक यहां पर हुआ है। पंजाब में सुबह 11 बजे तक 23.91 वोटिंग हुई है यहां पर। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 28.2% वोटिंग हुई है। तो ये पूरे आंकड़े हैं अलग अलग जगहों के। पश्चिम बंगाल में 11 बजे तक 28.10 मतदान हुआ है। इसके अलावा आपको बता दें कि हिमाचल में सुबह 11 बजे तक 31.92% वोटिंग हुई है। चलिए अब आपको ये अलग अलग जगहों की अलग अलग तस्वीरें दिखा देते हैं। अनुराग ठाकुर अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। रवि किशन प्रसाद की ये फोटो है, रविशंकर प्रसाद की ये फोटो, लालू यादव की तस्वीरें, जेपी नड्डा की ये तस्वीरें और योगी आदित्यनाथ ने, देखिए अगर आप पहली लाइन में देखेंगे तो ये तमाम वो दिग्गज जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके अलावा अजय राय, अनुप्रिया पटेल, भगवंत मान ने अपना वोट कास्ट किया, ओपी राजभर ने अपना वोट कास्ट किया, राघव चड्ढा यहां पर वोट डालने के लिए पहुंचे, हरभजन सिंह की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी और साथ ही कंगना रनौत ने भी अपना वोट कास्ट किया और स्याही लगी उंगली दिखाते हुए कैमरे के सामने नजर आए, अभिषेक बनर्जी की यह तस्वीरें, साथ ही रवि किशन और हरपाल सिंह चीमा की यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सुखबीर बादल और मनोज सिन्हा, ये सभी वो तमाम दिग्गज जो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं आखिरी चरण में और साथ ही ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें, आप कितना उत्साह इनके चेहरे से झलक रहा था वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे। और साथ ही हिमाचल में सुबह 11 बजे तक के अगर आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 31.92% वोटिंग हुई है। एक तरफा हम लोग सरकार, हम आपको पहले भी बोले बिहार तो चौंकाने वाला रिजल्ट दे ही रहा है और हम लोग 300 पार हो रहे हैं, तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करें, इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की, डिनायल मोड में जी रही है।